घर में आग भी लगा दिया सर, कोई से भी सुनवाई नहीं लिया प्रशासन। ऐसा भी हम लोग कितना रोए, मेरा कपार भी फाड़ दिया है, मतलब 6 टका भी लगा हुआ है, फिर भी सुनवाई नहीं लिया सर। कितने बुलाए, कितने बार हम लोग गए लेकिन नहीं बोला कि जाओ, हमको कुछ नहीं सुनना है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आज सोमवार है और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लग गया है। तमाम जो बिहार के फरियादी हैं वो आने लगे। इसी बीच आपको बता दें कि जमीनी विवाद का मामला जो है वो लगातार नीतीश कुमार के पास आते रहता है और तमाम जो फरियादी वो आते हैं और मिलते हैं नीतीश कुमार से। इसी बीच जमुई से, मधुबा जिले से आए हैं एक फरियादी। क्या कुछ फरियाद है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मामला है आपका, पहले नाम बताइए। मामला कौशल्या देवी है सर। क्या मामला आपका? मामला है सर जगह जमीन के बारे में सर, मतलब कि जमीन कब्जा नहीं करने दे रहा सर जमीन के लिए। न मेरे माँ बाप भी नहीं है सर, नहीं भाई है, कोई नहीं है सर। अभी मायके में रह रहे हैं तो वो लोग पूरा परेशानी कर रहे हैं, भागो यहाँ से, माँ बाप हमको यदि कर दिया सर। कितना जमीन है आप लोग? 16 एकड़ है सर। 16 एकड़ है, हाँ। किसने कब्जा कर लिया है? नरेश पासवान, बंगाली पासवान और नंदलाल जाल झोंपा का है। जमीन आपकी थी? जी सर, हाँ। जमीन सब अति कर रहा है सर, हम लोग रहने नहीं दे रहा हूँ। क्या कहता, क्या है? कहता कि तुम्हारा माँ बाप मर गया तो तुम्हारा भी जमीन खत्म हो गया, भागो यहाँ से। धमकाया जाता है सर, कितना बार मेरा घर मार दंगा भी किया है सर, घर में आग भी लगा दिया सर, कोई से भी सुनवाई नहीं लिया प्रशासन। ऐसा भी हम लोग कितना रोए, मेरा कपार भी फाड़ दिया है, मतलब 6 टका भी लगा हुआ है, फिर भी सुनवाई नहीं लिया सर। कितने बुलाए, कितने बार हम लोग गए लेकिन नहीं बोला कि जाओ, हमको कुछ नहीं सुनना है। लेडीज का कपार फाड़ दिया, उसमें 107 के जगह पर 108 कर दिया सर। फरियाद लेके आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? फरियाद SP पास गए सर और DSP पास भी गए हैं, मतलब कि झाझा थाना में तो बहुत बार आवेदन दे चुके हैं, वो लोग भेजा SP पास भी गए हैं, आवेदन बहुत बार दिए हैं। CEO के पास भी गए हैं, CEO भी कुछ सुनवाई नहीं लिया है। क्या कहते हैं CEO और SP? CEO बोलता है कि जाओ, तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं करते हैं सर। क्या बोलते हैं SP? नापी का डेट निकला, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कोर्ट नहीं गए आप लोग? कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी केस वाला, कोर्ट से भी केस है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है इसलिए वजह से। लॉकडाउन चल रहा है तो इसीलिए आपका ये नहीं चल रहा है? कब से ऐसा मतलब हुआ है? ऐसा हो गया 2002 साल हो गया, 2 साल से हम लोग परेशान हैं। 2 साल से परेशान है। रहते कहाँ हैं? हम लोग रहते माधुए में रहते हैं, वहीं रहते हैं। हाँ, अभी थोड़ा दिन हो गया, 1 महीना हो गया वहाँ से। सब घर पे अपने रहते हैं या फिर कहीं बाहर रेंट लेकर रहना? अभी रेंट पे लेकर रहते हैं, यहाँ पटने में रहते हैं रेंट पे लेकर। पंजीकरण करवाए हैं, नीतीश कुमार से मिलने आए हैं आप जी? क्या कहा गया? अभी तो डेट नहीं आया है, 15 तारीख को ऐलान किए। माफिया आपको परेशान करते हैं? जी, जमीन बहुत परेशानी कर रहा है सर, थोड़ा लोग भी नहीं, बहुत मार दो चुका सर। सर माधुए में रहते, बदमाश लोग रात में मारने के लिए, रात में भेज देते हैं, डर से वहाँ से हम भाग गए वहाँ से सर। लेकिन लगातार जो फरियादी हैं वो आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में। सबसे ज़्यादा जमीनी विवाद का मामला आता है, क्योंकि अगर बात कर ले तो जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा आता है और जमीन माफिया, भू माफिया जो है उनका वर्चस्व आए दिन बढ़ते जा रहा है। फरियादी आ रहे हैं, फरियाद उनकी सुनी जाती है लेकिन कहीं ना कहीं जो निराकरण है वो नहीं होता है। फरियादी दर दर भटकते रहते हैं। पंजीकरण का जो प्रक्रिया है वो बहुत लेट होते जा रहा है, क्योंकि जो पंजीकरण लोग करवाते हैं उनको लेट से एंट्री मिलती है, क्योंकि टाइम लगता है नीतीश कुमार से मिलने में। क्या कुछ कह रहे थे फरियादी, आपने सुना है, जमुई से आए थे, 16 एकड़ ज़मीन जो है इनका हड़प लिया गया है और कहीं ना कहीं SP DM तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगे पूरी नहीं है, ये फरियाद नहीं पूरी हो रही है। और भी तमाम खबरों के लिए बने NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।